गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का वास्तविक अर्थ होता है जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। एक राजा के पुत्र होने के कारण सिद्धार्थ का लालन पालन राजकुमार की तरह हुआ था, मगर बचपन से ही उनकी विलासिता और भौतिक सुखों में कोई रुचि नहीं थी। करुणा और प्रेम उनके हृदय में भरा हुआ था। सिद्धार्थ को अपनी पढ़ाई से जब भी विश्राम मिलता, वो ध्यानमग्न होकर एकांत में बैठ जाते थे। एक दिन सिद्धार्थ ध्यान में बैठे थे कि एक घायल हंस उनके सामने आकर गिरा, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। हंस बुरी तरह से तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने फौरन उसे उठाकर अपनी गोद में ले लिया और प्यार से उसे सहलाने लगे। उन्होंने हंस के घाव को धोया और उस पर एक लेप लगाकर पट्टी बांध दी। कुछ ही देर बाद उनका चचेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा और बोला, ये हंस तुम्हारे पास कैसे आ गया? मैं तो इसे बहुत देर से ढूंढ रहा था। मैंने ही इसका शिकार किया है। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, देवदत्त, अगर मैं इस घायल हंस का उपचार नहीं करता तो ये दम तोड़ देता। देवदत्त ने कहा, ठीक है, मगर ये मेरा शिकार है, लाओ इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं देवदत्त, मैं इस हंस को तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने इसे बचाया है और मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। कुछ दिनों बाद जब हंस ठीक हो गया तो सिद्धार्थ ने उसे आसमान में उड़ा दिया। सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए और पूरी दुनिया में उन्होंने दया, ममता, प्रेम, सत्य, शांति और ज्ञान का प्रकाश फैलाया। बुद्ध का कहना था कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि कोई शुद्ध विचारों के साथ काम करता है तो उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। युद्धरत राजाओं को अहिंसा का संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि हजारों युद्ध जीतने से अच्छा है स्वयं पर विजय प्राप्त करो। जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली, उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज भी भगवान बुद्ध के विचार और उनकी शिक्षाएं पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रही हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से हमें सीख मिलती है कि भूतकाल को याद करने और पछताने से अच्छा है वर्तमान में जियो और सदा खुश रहो। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि जिस तरह एक जलता हुआ दीपक हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से प्रेम बढ़ता है और जीवन में कभी खुशी कम नहीं होती। बुद्ध कहते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहा जाता, स्वयं के प्रयास करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। बुरे लोगों से दूर रहने के लिए बुद्ध ने संदेश दिया कि कपटी और दुष्ट मित्र से हमेशा दूर रहना चाहिए। कोई जंगली जानवर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, मगर बुरा मित्र हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जीवन में कभी तीन चीजों को छिपाकर नहीं रखा जा सकता, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। वो कहते हैं, जो हमेशा झूठ बोलता है वो कभी भी कोई पाप कर सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, सत्यवाणी ही अमृतवाणी है और सत्यवाणी ही सनातन धर्म है। सत्य हमेशा मजबूत होता है। अपने शिष्यों को प्रवचन देते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं, हजारों झूठे और खोखले शब्दों से अच्छा है एक शब्द जो शांति लाए। वो कहते हैं, जब हम क्रोधित होते हैं तो सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं। भगवान बुद्ध के अनमोल विचारों को अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन सुंदर और सरल हो जाएगा। इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र, नई दिल्ली की प्रस्तुति।